और आज छत्तीसगढ़ के सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 61 साल के हो चुके हैं। भूपेश बघेल को यदि सियासत का फाइटर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हताश और निराश कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आइए एक नजर डालते हैं उनके सफर पर। मई 2013 बस्तर की झीरम घाटी में हुए इस हमले ने छत्तीसगढ़ की सियासत में सब कुछ बदल दिया। 10 सालों से सत्ता में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही कांग्रेस एक झटके में ही नेतृत्व विहीन हो गई। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा समेत कई कांग्रेस नेताओं की इस हमले में मौत हो गई। इस भीषण संकट के दौर में पार्टी की कमान संभाली भूपेश बघेल ने। कांग्रेस गहरी हताशा और निराशा में थी। कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। वे सड़क पर निकलकर प्रदर्शन और आंदोलन करना एक तरह से भूल ही चुके थे। जुझारू भूपेश बघेल ने इस कठिन चुनौती को स्वीकार किया और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कहानी बदलने लगी। चाहे राशन कार्ड में कटौती का मुद्दा हो या किसानों की धान खरीदी और बोनस का मुद्दा, वो नसबंदी कांड का विरोध हो या फिर चिटफंड कंपनियों के पीड़ितों के साथ खड़े होना, उन्होंने कांग्रेस को आंदोलन के लिए सड़क पर उतार ही दिया। जिस तरह से कथित भ्रष्टाचार के मामले एक के बाद एक उजागर किए, जिस तरह से उन्होंने शक्तिशाली नौकरशाहों को खुलेआम चुनौती दी, उससे राज्य में कांग्रेस की छवि बदल गई। गुटबाजी से जूझ रही पार्टी को भी उन्होंने अनुशासन की डोर से बांध दिया। अंतागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की खरीद फरोख्त के मामले में जिस तरह से उन्होंने अमित जोगी को पार्टी से निष्कासित किया, उसने इन्हें हिम्मत वाले नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। ये लड़ाई न भूपेश बघेल के लिए आसान रही और न ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए। उन्हें तरह तरह से घेरने की कोशिश की गई। उनके साथ साथ उनकी माँ और पत्नी के खिलाफ FIR तक दर्ज की गई थी। कथित अश्लील CD के मामले में भी उन्हें घेरा गया, लेकिन भूपेश ने अपने ऊपर हुए हर हमले का दोगुनी ताकत से जवाब दिया और सियासत के आजाद शत्रु बनकर उभरे। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने जिस तरह से 15 साल से जमी BJP का सूपड़ा साफ किया, वो भूपेश के कुशल और निर्भीक नेतृत्व का ही नतीजा है। दलगत सियासत से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर भूपेश बघेल की जो छवि है, उसका अंदाजा प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकातों से ही लगाया जा सकता है। भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ को लेकर जो सपना है, वो उनके नारे छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बारी से समझा जा सकता है। सियासत का एक फाइटर अब पूरे आत्मविश्वास और गरिमा के साथ आज दुनिया में आवाज बुलंद कर रहा है। सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। भूपेश बघेल जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तो उनके पास कार्यकर्ताओं की निराश हताश फौज थी, जो लगातार 3 विधानसभा चुनाव हार चुकी थी। उनमें जोश और उत्साह भरकर पार्टी को खड़ा करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। 10 सालों में पार्टी सड़क पर भी लड़ना भूल चुकी थी, लेकिन बघेल ने ये चमत्कार कर दिखाया। कांग्रेस के लोग सड़क पर लड़ते नजर आने लगे। उनके सामने दूसरी चुनौतियां भी कम नहीं थी। सरकार से लड़ने के साथ ही पार्टी के अंदर विरोधियों से लड़ना, केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास हासिल करना और फिर उसके बाद सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरना, उन्होंने ये सब कुछ बड़ी कुशलता से कर दिखाया। अपनी आक्रामकता और अनुभव से भूपेश बघेल ये बखूबी समझते थे कि आंदोलन के जरिए ही कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के 15 दिन के अंदर ही उन्होंने फर्जी राशन कार्ड के मुद्दे पर 6 महीने पहले चुनकर आई सरकार के खिलाफ प्रदेश भर के थानों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ खड़ी कर दी। ये सिर्फ भूपेश बघेल के बूते की ही बात थी। फिर यहीं से शुरू हुआ आंदोलन का लंबा सिलसिला। नसबंदी कांड, आंख फोड़वा कांड, धान खरीदी, बस्तर के भूविस्थापितों का मामला, इसी तरह के तमाम अन्य मुद्दों पर कांग्रेस के आंदोलन चलते रहे। भूपेश बघेल जामबाजी से सरकार के खिलाफ आंदोलन के फैसले लेते रहे। ताड़मेटला, जहां 76 जवान शहीद हो गए थे, वहां भूपेश बघेल खुद गाड़ी चलाकर पहुंच गए। इसी तरह झीरम घाटी में अपने 2-3 साथियों के साथ पहुंचकर बरसी पर श्रद्धांजलि देने जैसा फैसला भूपेश बघेल ही कर सकते थे। इस बीच पार्टी नेतृत्व का विश्वास भी हासिल करना था,
और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव के साथ जय बीरू जैसी जोड़ी बनाकर इस काम को भी बखूबी अंजाम दिया। सिंहदेव का भाषाई कौशल और भूपेश बघेल का जुझारूपन और दोनों की अटूट जोड़ी, इन सब की वजह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पूरा बरदहस्त दोनों को मिला। बघेल को इस बीच पार्टी के भीतर से भी कड़ी चुनौती मिल रही थी, सो उन्होंने अंतागढ़ कांड के बाद अमित जोगी को पार्टी से बाहर निकालने और अजीत जोगी को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर करने जैसे कदम भी उठाने में देर नहीं लगाई। उनके इस फैसले को लेकर बहुत से नेताओं के मन में आशंका थी, लेकिन बघेल ये मानकर आगे बढ़ चुके थे कि तीन चुनाव जोगी के संग लड़े तो चौथा चुनाव जोगी के बिना लड़कर देखा जाएगा। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को तैयार कर लिया था, अब बारी थी चुनाव मैदान में उतरने की। अब उनके सामने दो दिग्गजों डॉक्टर रमन सिंह और अजीत जोगी से टक्कर लेने की चुनौती सामने थी। और जब विधानसभा चुनाव 2018 के नतीजे आए तो न केवल राजनेता बल्कि बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी भौचक्के रह गए थे। मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत सुनिश्चित दिखाई दे रही थी, वहां कांग्रेस की सरकार जोर तोर से बनी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लंबी छलांग लगाई और उम्मीद से ज्यादा दो तिहाई बहुमत से सरकार बनी। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी अस्मिता के नारे को लेकर चुनाव लड़ा तो सरकार बनने के बाद उस पर बड़ी शिद्दत से अमल करना भी शुरू किया। हालांकि चुनौतियां अभी भी कुछ कम नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव के साथ ऐसी जुगलबंदी दिखाई कि 15 साल से सत्ता का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर रमन सिंह की पार्टी बीजेपी केवल 15 सीटों पर सिमट गई, जबकि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पार्टी जेसीसी भी 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ सकी। दोनों दिग्गजों से बड़े चमत्कार की उम्मीद लोग कर रहे थे, लेकिन करिश्मा कांग्रेस ने कर दिखाया। शानदार घोषणा पत्र और ठेठ छत्तीसगढ़िया बात की कार्ड किसी के पास नहीं थी। चुनाव में कांग्रेस ने नरबा घुरबा गरुआ बारी का नारा दिया, तब किसी के समझ में नहीं आया कि इस नारे का क्या असर पड़ेगा। ठेठ देशी अंदाज में ग्राम स्वराज को गांधीवादी परिकल्पना को कांग्रेस ने अपने नए अंदाज से पेश किया। इसके अलावा कर्ज मुक्ति और 2500 रुपए में धान खरीदी और 4000 रुपए में तेंदुपत्ता खरीदी करने का वादा काम आया। जब सरकार बनी तो इन वादों पर तत्काल अमल भी किया गया। ग्राम स्वराज की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए भूपेश सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करके छक्का लगा दिया है। 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। ये फैसला ऐसा है कि आरएसएस ने भी योजना का स्वागत कर विपक्षियों की मुश्किलें बढ़ा दी। सरकार अपनी रफ्तार से काम करने में जुटी थी, लेकिन अचानक कोरोना जैसी महामारी का संकट आ गया। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की तासीर बेहतर समझते हैं, लिहाजा उन्होंने इस चुनौती से भी बड़ी सहजता से निपटने का फैसला किया। किसान न्याय योजना के जरिए किसानों की जेब में पैसा पहुंचाया, तो मनरेगा को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, तो ऐसे समय में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। क्वारंटाइन सेंटर्स और अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था बनी रही, लोगों को खाने पीने के लिए तरसना नहीं पड़ा। दूसरी तरफ सरकार ने अपने वादे के मुताबिक छत्तीसगढ़िया अस्मिता को नई पहचान देने की रफ्तार तेज कर दी है। स्थानीय तीज त्योहार पर अवकाश घोषित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री निवास से हरेली, तीजा, पोरा और मातर के त्योहार मनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। इन सब आयोजनों ने जनता का दिल जीत लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया मन को जीतने में लगे हैं, हालांकि उनके सामने अभी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कुछ चुनावी वादे पूरे होने से रह गए हैं, जिनकी याद विपक्ष बार बार दिलाता रहता है। सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाना, ग्रामीण विकास के साथ बाहरी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना, समावेशी विकास के रास्ते पर आगे बढ़कर लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए उन्हें काफी काम करना है। हालांकि भूपेश बघेल की तासीर न झुकने की, न थकने की और न टूटने की है। उम्मीद की जा सकती है कि भूपेश बघेल बहुत आगे बढ़ेंगे और उनके साथ छत्तीसगढ़ विकास की लंबी छलांग लगाएगा।